दूसरी मुलाकात में इस औरत ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि आशिक उसका बेटा बना हुआ है। अपनी बेटियों की कीमत के हवाले से उसका कहना था कि मुझे एक बच्ची का 1 लाख दे दें, बाकी आप या आशिक जितने पैसे चाहें कमा लें। वो आशिक आपका क्या लगता है? मेरा बेटा कमा ले रहे हो, चार कमा ले सानू लाख रुपया एक बच्ची का। हमारे नुमाइंदों ने पूछा कि लड़कियां खरीदने के बाद आपका कोई रिश्तेदार तो तंग नहीं करेगा? अपनी बेटियां फरोख्त करने वाली, बल्कि फरोख्त करने का झांसा देने वाली औरत ने कहा कि मैं बैठी हूं ना, आप पैसे दें, गाड़ी लाएं और लड़कियां बिठा कर ले जाएं। कल को आपका कोई भाई कोई रिश्तेदार कहे हम जाने नहीं देते हैं, ये वो सो बेटा ते ना कोई बंदा आवाज मारे भाई। सही है, तू सा गाड़ी लेके सारी बाहर आ जाए। वापसी पर आशिक के बंदे ने हमारे नुमाइंदों के सामने इस औरत की बेटियों के ऐसे ऐसे औसाफ बयान किए जिन्हें टीवी पर नशर भी नहीं किया जा सकता। लड़कियां देखने के बाद हमारे नुमाइंदे एक बार फिर आशिक से मिले। आशिक का कहना था कि आपकी पार्टी से इन लड़कियों का बयाना 5 लाख मांगेंगे, 3 लाख लड़कियों की मां को देंगे, बाकी 1-1 लाख हम दोनों रख लेंगे। बयाना की 5 लाख के देंगे बयाना, 3 लाख आप अगले महीने में, 2 लाख हो गई मैं तेरे नाम से दिया था। हमारे नुमाइंदे ने फिर वाजह किया कि उसकी पार्टी लड़कियां निकाह करने के लिए नहीं खरीद रही, जिस पर इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि फिर लड़कियों की कीमत 15 लाख मांगेंगे, 8 लाख औरत को देंगे और बाकी खुद रख लेंगे। ये शख्स बार बार लड़कियों को मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों से मिलाता, कभी उन्हें कबूतरियां कहता और कभी पुर्जे कहता कि 8-10 पुर्जों की तस्वीरें अभी मंगवा कर दिखाता हूँ। कबूतरियां जिम्मे 20 मॉडल गड्डी नवी निकल तो इस सारी बातचीत और मुलाकातों के बाद हमारे नुमाइंदे ने आशिक को उस पार्टी से मिलवाने का टाइम मुकर्रर किया। ये पार्टी भी टीम सरयाम ही के नुमाइंदे थे। साहिवाल में चाय के एक होटल पर हमारे नुमाइंदे लड़कियां खरीदने वाली पार्टी बनकर इस सरगना से मिले। उसे साफ बताया कि हम शादी के लिए लड़कियां नहीं खरीद रहे, हम उन्हें खरीद लेंगे और फिर चाहे उन्हें मारें, काटें, जलाएं, आगे बेच दें, आप कोई एतराज नहीं करेंगे। जिस पर इस बदबख्त ने इंतहाई इत्मीनान से हामी भर ली। लड़कियाँ हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी करें फिर कोई वो मसला नहीं है, हम उन्हें जान से मार दें वो तो आड़ा है, काट दें वो तो आड़ा है, चला दें बेच दें वो तो आड़ा है। अब लड़कियों का रेट तय होने लगा। इसने कुछ मजीद तस्वीर मंगवा कर हमारे नुमाइंदों को दिखाई जिन्हें वो पार्टी समझ रहा था। इसने एक लड़की की कीमत हमारे नुमाइंदों को 10 लाख रुपए बताई। हमारे नुमाइंदों ने भी भाव ताव किया और 3 लड़कियों की कीमत 25 लाख रुपए तय हो गई। एक जाना है ना, 10 लाख है थोड़े ना, 1 लाख इसमें कोई देखो ना कोई कमी पेशी, 10 लाख तो बड़े होते हैं। हम करते हैं लमसम बात, अगर हमें 3 लड़कियां तीनों पसंद आ जाती हैं जी, तो तीनों का क्या हो जाएगा? फिर इस तरीके 10 लाख ही बन गया, 30 लाख रुपये 3 लड़कियों को अगर जो करता है तो सुनता तुम 3 गाड़ी का ना हमारा ना तुम्हारा 25। लड़कियों की उम्रें इसने 20, 22, 16 और 14 साल बताई। लड़कियों की उम्र और उसकी कीमत का ताल्लुक इसने एक बार फिर गाड़ियों के मॉडल बताकर वाजह किया।
मतलब ये एक कार और जीती जागती लड़की को बेचने के मामले को एक बराबर समझता था। एक गड्डी उन 20 मॉडल है, 19 मॉडल है, 12 मॉडल है, 13 मॉडल है, एक 6 मॉडल है, रेट तो अभी नहीं उन्होंने हाँ रेट था। और जो 20 मॉडल है उसका रेट 26 लाख है, 26 जी 19 मॉडल सी वह रेट आज 18 लाख है। ਮਾਡਲ ਤੇ ਰੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨਾ 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 ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੰਗਿਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾੜੀ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ। कुछ देर में इसने अपना मुंह हमारे नुमाइंदों के करीब लाकर कहा कि यहाँ ऐसे ही जाहिर करें जैसे गाड़ी का सौदा हो रहा है। गोलाई च पंजाबी जबान च मैं करना अपना नहीं ना ओपन कर देते गाड़ी का सौदा होगा। हमारे नुमाइंदे ने इसकी सफाकियत सामने लाने के लिए इससे एक बार फिर पूछा कि लड़कियों को हम मारें, जलाएं, काटें, आपको कबूल है? जिस पर इसका जवाब और इत्मीनान लर्जा देने वाला था। हम उन्हें जान से मार दें, वो तो आड़ा है, काट दें, वो तो आड़ा है, चला दें, बेच दें, वो तो आड़ा है।